दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई की टीम के खिलाफ मैदान पर आते ही ऋषभ पंत ने ऐसा खतरनाक छक्का जड़ दिया कि रोहित शर्मा की आंखें भी फट गई थी। आखिरकार कैसे ऋषभ पंत ने अपनी पारी की पहली बॉल पर पंत ने छक्का जड़कर जीत का बिगुल बजा दिया था, वो छक्के का वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत की कप्तानी और उनके छक्के को देखकर आप 10 में से कितने नंबर उनको देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों दिल्ली की टीम का सामना जब मुंबई की टीम से हुआ तो दिल्ली के गेंदबाजों ने मुंबई की टीम के पर कच्चे ही उड़ाकर रख दिए थे। साझा के इस मैदान में ही मुकाबले की शुरुआत भी खतरनाक हुई थी। ऋषभ पंत का फैसला था कि मुंबई इंडियंस की टीम मैदान में उतरकर गेंदबाजी करेगी। गेंदबाजी में फिर जो हुआ वे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा आउट हुए और 10 ओवर तक आधी टीम पवेलियन जा पहुंची थी। जैसे तैसे रेंगते हुए मुंबई की टीम कुछ छोटी पारी के इशारे पर ही 100 का स्कोर पार कर पाई। इसके चलते मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 120 रन ही बना पाई, लेकिन उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और दिल्ली को मात्र 130 रनों का लक्ष्य दे पाई। दोस्तों दिल्ली की टीम के सभी खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे थे, वे सभी मिलकर दिल्ली टीम को पहले ही प्ले ऑफ में पहुंचा चुके हैं। ऐसी बात है कि उनके सामने ये लक्ष्य कुछ भी नहीं था, लेकिन दोस्तों मैदान पर बैटिंग करने आई दिल्ली की टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। आपको बता दे सलामी जोड़ी जब तक मैदान पर सेट होती उससे पहले ही ओपनिंग जोड़ी टूट चुकी थी। शिखर धवन 6 और पृथ्वी शॉ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। फिर स्मिथ दे रहे थे ऋषभ पंत का साथ और ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही ऐसा लंबा छक्का जड़ा कि मैदान पर सब देखते रह गए। ये वाक्य पारी के तीसरे ओवर का है। गेंदबाजी पर थे कुणाल पांड्या जो एक बॉल पहले ही पृथ्वी शॉ का विकेट ले चुके थे। ऋषभ पंत ने इस तरह से खेला कि गेंद मैदान के बाहर जाकर गिरी और ये अद्भुत छक्का हो गया था। ऋषभ पंत का ये छक्का इतना शानदार था कि रोहित शर्मा की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी और ये मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाजों को एक करारा जवाब भी था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।